everyone, welcome to my channel. Today in this video I'm going to talk about feminism. आज के इस वीडियो में हम लोग फेमिनिज्म के बारे में बात करेंगे. सो ये जो वर्ड है फेमिनिज्म, ये एक लैटिन वर्ड से आया है फेमिना, जिसका मतलब है द वुमेन. ओके, एंड दिस टर्म वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय चार्ल्स फॉरियर. ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर इन हिज वर्क इन 1837 में चार्ल्स फॉरियर ने फेमिनिज्म टर्म को कॉइन किया था. एंड दिस टर्म वॉज फर्स्ट यूज इन 1890s को इस टर्म को पहली बार यूज किया गया था. नाउ लेट अस लुक एट कि फेमिनिज्म क्या होता है. सो फेमिनिज्म इज अ रेंज ऑफ सोशियो पोलिटिकल मूवमेंट्स एंड आइडियोलॉजीज दैट एम टू डिफाइन एंड एस्टैब्लिश द पोलिटिकल, इकोनॉमिक, पर्सनल एंड सोशल इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस. विच मीन्स कि फेमिनिज्म एक मूवमेंट था विच वॉज लेड बाय मोस्टली वुमेन एज वेल एज मेन, जिसमें जो वुमेन थी वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहती थी, इक्वल राइट्स चाहती थी एज मेन. सो दे वॉन्टेड टू हैव इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज एज मेन. तो ये था फेमिनिज्म. सो जो भी फेमिनिज्म को सपोर्ट करता है, जो भी इनके आइडियाज को सपोर्ट करता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं फेमिनिस्ट. ओके, एंड हम लोग लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो ये टर्म आएगा, फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म. अब फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है? जब भी हम लोग किसी भी लिटरेरी वर्क को फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट से स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको एग्जामिन करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म. ठीक है, देखिए कोई भी लिटरेरी वर्क है उसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लेंस, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव, स्टैंड पॉइंट से एग्जामिन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. तो अगर हम लोग फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से हम लोग किसी भी वर्क को स्टडी कर रहे हैं, तब उस क्रिटिसिज्म को हम लोग बोलेंगे फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म. नाउ लेट अस लुक एट कि व्हाट वर द रीजंस फॉर फेमिनिज्म. फेमिनिज्म का रीजंस क्या क्या था? तो बहुत सारे कारण थे. आई हैव लिस्टेड डाउन सम रीजंस. सो फर्स्ट रीजन वन वाज वुमेन वर कन्फाइंड टू द डोमेस्टिक स्फेयर, यानी कि वुमेन्स को घर के अंदर ही रखा जाता था. दे डिड नॉट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, बाहर उनको नहीं निकलने दिया जाता था और किसी भी चीज में पार्टिसिपेट भी नहीं करने दिया जाता था. ठीक है, दे डिड नॉट हैव द राइट टू वोट. उनके पास राइट टू वोट नहीं था, वोट देने का अधिकार भी नहीं था, एंड राइट टू प्रॉपर्टी भी नहीं थी. यानी कि उनको अपने फादर के प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ भी अधिकार नहीं था. यहां तक कि दे डिड नॉट हैव एनी राइट्स ओवर देयर ओन चिल्ड्रन. अपने बच्चों के ऊपर भी कोई भी राइट्स नहीं था. इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हैं कि उनको अपने ऊपर कोई राइट्स नहीं था, बिकॉज 15th-16th century में जर्मनी में ऐसा ट्रेडिशन था कि जो हस्बैंड है वो अपने वाइफ्स को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं. ठीक है, तो वुमेन और वाइफ्स could be sold by their husband and they were denied reproductive rights also. They did not have the access to contraceptions, different kind of contraceptives or abortion. ठीक है, ये सब rights उनके पास नहीं थी and that is why उन्होंने इस feminism movement को lead किया. तो इस फेमिनिज्म की शुरुआत होती है 1848 में सेनेका फॉल्स कन्वेंशन से. सेनेका फॉल्स इज द नेम ऑफ अ टाउन एंड इस टाउन में कन्वेंशन हुई थी, विच मीन्स कि 200 टू 300 वुमेन एक साथ इकट्ठा हुई थी एंड दे टॉक्ड अबाउट देयर लीगल राइट, देयर फंडामेंटल राइट्स. ओके, एंड सेनेका फॉल्स कन्वेंशन वॉज द फर्स्ट वुमेन्स राइट्स कन्वेंशन एंड दे टॉक्ड अबाउट द लीगल एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ वुमेन. एंड इस कन्वेंशन के इम्पोर्टेंट फिगर्स है एलिजाबेथ कैंडी सैटन एंड लुक्रेशिया मॉट एंड दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द अबॉलिशनिस्ट मूवमेंट. ओके, सो दीज टू फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट रिमेम्बर देयर नेम्स. तो 1848 में सेनेका फॉल्स कन्वेंशन हुआ था जिसमें सारी औरतें इकट्ठा हुई थी एंड दे टॉक्ड अबाउट देयर राइट्स, देयर फंडामेंटल राइट्स, एंड उन्होंने फिर मूवमेंट किया. ठीक है, जिसे हम लोग आज फेमिनिज्म के नाम से जानते हैं. एंड फेमिनिज्म के टोटल थ्री वेव्स हैं. ठीक है, थ्री वेव्स ऑफ फेमिनिज्म भी हम लोग आगे जाके अभी पढ़ेंगे. ओके, सो इसके बाद फिर 1792 में एक वर्क आया, एक एसे आया बाय मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन. ठीक है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने ये एक एसे लिखा था एंड मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट इज नोन एज द फोर मदर
of feminism. Okay, so a vindication of the rights of women में Mary Wollstonecraft ने women's independence और women's education के बारे में बात की, equal rights के बारे में बात की है. So it was quite a revolutionary work, okay, of that period. तो इन दोनों incident के वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो औरतें थी वो लोग जागरूक हुई एंड दे लीड अ मूवमेंट कॉल्ड फेमिनिज्म. सो फेमिनिज्म के टोटल थ्री वेव्स हैं, हम लोग थ्री वेव्स ऑफ फेमिनिज्म पढ़ेंगे एंड चौथा वेव्स भी माना जाता है कि एग्जिस्ट करता है, बट वी विल लुक एट ओनली थ्री वेव्स. ओके, सो द फर्स्ट वेव, जो पहला वेव था वो 1848 से लेके 1920 तक ये चला था. एंड ये जो फ्रेज है फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, इसको कॉइन किया था मार्था लियर ने, ये एक जर्नलिस्ट थी. इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था द सेकेंड फेमिनिस्ट वेव. इन इसी आर्टिकल में इन्होंने फर्स्ट वेव फेमिनिज्म इस टर्म को कॉइन किया था 1968 में. दीज माइन्यूट डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस लाइक यूजीसी नेट सेट और एनी काइंड ऑफ लिटरेचर एग्जामिनेशंस, देन दीज डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, इसके बाद इस वेव ऑफ फेमिनिज्म में वुमेन ने क्या फोकस किया, उन्होंने डिमांड रखा कि हमें राइट टू वोट मिलना चाहिए. ठीक है, हमें वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जिसे हम लोग वुमेन सफरेज भी कहते हैं, विच मीन्स दे सॉट राइट टू वोट. फिर उन्होंने कहा कि हमें राइट टू प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए. दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इवेंजेलिकल फेमिनिज्म. अब इवेंजेलिकल फेमिनिज्म क्या होती है, ये एक ऐसा फेमिनिज्म है जिसमें ये कहा जाता है कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल बिफोर गॉड, यानी भगवान के सामने मेन और वुमेन दोनों क्या है, इक्वल है, एंड दे शुड एक्सरसाइज सेम अपॉर्चुनिटीज एंड सेम राइट्स. एट द सेम टाइम हस्बैंड एंड वाइफ शुड म्यूचुअली सबमिट टू ईच अदर. सो दिस वॉज इवेंजेलिकल फेमिनिज्म. ओके, दे ऑल्सो अपोज्ड चैटल मैरिज. उन्होंने चैटल मैरिज को भी अपोज किया. इफ आई पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, चैटल का मतलब होता है किसी भी इंसान का पर्सनल पोजेशन, योर पर्सनल बिलोंगिंग, उसे हम लोग चैटल बोलते हैं. तो इन अर्लियर टाइम्स वाइफ्स को हस्बैंड का चैटल कहा जाता है. इफ यू रिमेम्बर महाभारत में गुरु द्रोण ने कहा था कि वाइफ्स आर हस्बैंड चैटल, जब द्रौपदी क्वेश्चन पूछती है कि मुझे स्टेक पे क्यों लगाया गया, तब गुरु द्रोण कहते हैं कि वाइफ्स आर हस्बैंड्स चैटल. ठीक है, तो पहले वाइफ्स को एक कमोडिटी के रूप में ट्रीट किया जाता था एंड दैट इज व्हाई द्रौपदी वाज स्टेक्ड. ओके, तो उन्होंने चैटल मैरिज को अपोज किया एंड फीमेल एजुकेशन के बारे में भी बात की. सो दीज वर दी थिंग्स जो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में उन्होंने बात की और चैटल मैरिज को अपोज किया. अब हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट वेव फेमिनिज्म जो 1848 से लेके 1920 तक चली, इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या हुई. तो सबसे पहला इवेंट हमें 1870 में देखने को मिलता है, जब ब्लैक मेन को राइट टू वोट का अधिकार मिला. ओके, वोट देने का अधिकार मिला और वुमेन को 1920 में मिला. उसके बाद 1914 से लेके 1918 में वर्ल्ड वॉर वन होता है, जिसके वजह से जितने भी मेन होते हैं वो लोग चले जाते हैं वॉर लड़ने के लिए. तो इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में कोई रहता नहीं है काम करने के लिए. ठीक है, सो वुमेन गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो आउट एंड वर्क इन द फैक्ट्रीज. तो वुमेन को अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने का एक अवसर मिला, अपॉर्चुनिटीज मिला. लेकिन इसमें भी एक खामियां थी एंड वो खामियां थी कि दे वर डिनाइड इक्वल पे, यानी कि उनको मेन के जितना पेमेंट नहीं मिलेगा फॉर द सेम वर्क. एंड रीजन क्या था, उन्होंने ये रीजन दिया कि वुमेन आर फिजिकली वीक देन मेन. ठीक है, वो लोग फिजिकली वीक होते हैं वुमेन लोग मेन से, दैट इज वाई दे वर डिनाइड इक्वल पे. नेक्स्ट 1916 में मार्गरेट सैंगर ने पहला बर्थ कंट्रोल क्लिनिक खोला. तो मार्गरेट सैंगर वॉज अ नर्स बाय प्रोफेशन एंड इन्होंने अपने मदर का 13 डिलीवरी को विटनेस किया था. ओके, एंड शी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट रिप्रोडक्टिव राइट एंड ऑल एंड शी ओपेंड फर्स्ट बर्थ कंट्रोल क्लिनिक एंड ग्रेजुअली वुमेन गॉट द एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन. फर्स्ट वेव में ही ये नहीं हुआ था, बट ग्रेजुअली. ओके, एंड अबॉर्शन को भी एक्सेस कर पाई वुमेन. ठीक है, 1917 में रशियन रेवोल्यूशन होता है एंड वुमेन स्टॉप्ड वर्किंग इन दी फैक्ट्रीज बिकॉज दे वर डिनाइड इक्वल पे. ओके, सो दीज वर दी मेजर इवेंट्स व्हिच टुक प्लेस इन दी फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म.
अब हम लोग देखेंगे कि कुछ कुछ फेमिनिस्ट राइटिंग्स और कुछ कुछ फेमिनिस्ट राइटर्स के बारे में हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में लिख रहे थे। तो पहला है केट चौपिन, इनका वर्क है द अवेकनिंग, इट्स अ फेमिनिस्ट राइटिंग। देन चार्लेट पर्किंस गिलमन, द येल्लो वॉलपेपर। हेनरिक इब्सन, द डॉल्स हाउस। वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ इज नोन एज द प्रीकर्सर ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट। इन्होंने लिखा था अ रूम ऑफ वंस ओन। हियर जो रूम है ये वुमेन्स फ्रीडम और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को सिग्निफाई करती है। एंड वर्जीनिया वुल्फ ऑल्सो प्रोपाउंडेड द टर्म एंड्रोगाइनस, ठीक है, एंड्रोगाइनस टर्म को भी इन्होंने प्रोपाउंड किया था। इसका मतलब होता है कि किसी भी इंडिविजुअल में अगर दोनों क्वालिटीज हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन क्वालिटीज, उसे हम लोग एंड्रोगाइनस कहते हैं, ठीक है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फेमिनिस्ट राइटर्स ऑफ फर्स्ट वेव फेमिनिज्म। नाउ लेट अस लुक एट सेकेंड वेव फेमिनिज्म। सो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म चला था 1848 से लेके 1920 तक, ठीक है, एंड सेकेंड वेव फेमिनिज्म चलता है 1960s से लेके 1990s तक, ओके। एंड दिस टर्म वॉज अगेन कॉइंड बाय मार्था लियर, शी वॉज अ जर्नलिस्ट। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था द सेकेंड फेमिनिस्ट वेव इन 1968, एंड उसी आर्टिकल में इन्होंने सेकेंड फेमिनिज्म वेव इस टर्म को क्वाइन किया था, ओके। एंड ये जो फेमिनिज्म था, इसका जो टेम्परामेंट था, इट वॉज क्वाइट रेडिकल एंड इट वॉज मार्क्ड बाय एक्सट्रीमिज्म। यानी कि जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म था उसमें वो रेडिकल फेमिनिज्म, सॉरी वो लिबरल फेमिनिज्म था। यानी कि जो औरतें थी वो मेन के इक्वल राइट्स चाहती थी, दे वांटेड इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। लेकिन सेकेंड वेव फेमिनिज्म में ऐसा हुआ कि जो औरतें थी वो मर्द से नफरत करने लगी एंड दे वांटेड टू एक्सपेल ऑल दी मेन, ठीक है, वो सारे मर्दों को मार देना चाहती थी। तो इस तरह के आइडियोलॉजीज डेवलप हो गई थी इन दी फेमिनिस्ट्स, ओके। सो द टेम्परामेंट वॉज रेडिकल एंड द फोकस वॉज ऑन रिप्रोडक्टिव राइट्स, डोमेस्टिक वायलेंस, राइट टू इक्वल पे और वेजेस एंड मैरिटल रेप। Now let us look at the feminist writings or writers. So in 1949, The Second Sex by Simone de Beauvoir, one is not born woman but becomes woman. So Simone de Beauvoir एक फ्रेंच राइटर थी, इन्होंने अपना वर्क लिखा था द सेकेंड सेक्स 1949 में, एंड उसमें वो कहती है कि वन इज नॉट बॉर्न वुमन बट बिकम्स वुमन, ठीक है। 1963 में आया द फेमिनिन मिस्टेक बाय बेटी फ्रेडन, एंड शी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन, एंड उन्होंने कहा कि द प्रॉब्लम दैट हैज नो नेम, व्हिच मींस कि जो वुमेन जो प्रॉब्लम्स फेस करती है, वी ऑफन डू नॉट टॉक अबाउट इट और वी ऑफन टेक देम फॉर ग्रांटेड, ठीक है, इसलिए वो कहती है द प्रॉब्लम दैट हैज नो नेम। फिर 1970 में आता है सेक्सुअल पॉलिटिक्स बाय केट मिलेट। 1973 में बर्थ कंट्रोल, ये एक इवेंट है जो सेकेंड वेव फेमिनिज्म में हुआ था, एंड डॉरिस लेसन, एंजेला कार्टर, देन मार्गरेट ड्रबल, ये सब कुछ कुछ फेमिनिस्ट राइटर्स हैं जो सेकेंड वेव फेमिनिज्म में अपना राइटिंग को लिख रहे थे। उसके बाद है थर्ड वेव फेमिनिज्म। जो थर्ड वेव फेमिनिज्म है ये 1990 से लेके अभी तक ये चल रहा है, एंड बहुत कोई कहते हैं कि थर्ड वेव फेमिनिज्म 1990 से लेके 2012 तक है, एंड 2012 से अभी तक ये फोर्थ वेव फेमिनिज्म कहा जाता है, ओके। सो वी विल टेक दिस टर्म कि थर्ड वेव फेमिनिज्म 1990 से लेके अभी तक थर्ड वेव फेमिनिज्म है, ओके। एंड इस टर्म को क्वाइन किया था, थर्ड वेव फेमिनिज्म टर्म को क्वाइन किया था रोबेका वॉकर ने। शी क्वाइन द टर्म इन हर आर्टिकल बिकमिंग द थर्ड वेव इन 1992। इन्होंने अपने एक आर्टिकल बिकमिंग द थर्ड वेव में थर्ड वेव फेमिनिज्म टर्म को क्वाइन किया था 1992 में, एंड इसका मेन फोकस था रीडिफाइनिंग फेमिनिज्म। यानी कि जैसे सेकेंड वेव फेमिनिज्म में हम लोगों ने देखा कि जो फेमिनिस्ट थी वो एकदम रेडिकल हो गए थे, उनके टेम्परामेंट रेडिकल हो गए थे, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं एक रिफ्ट डेवलप हो गया था।
तो उसी को ठीक करने के लिए, ठीक है, फेमिनिज्म को फिर से रीडिफाइन किया गया, ठीक है, उसके असली मतलब को फिर से रीडिफाइन किया गया, एंड सेलिब्रेट प्लूरैलिटी, यानी प्लूरैलिटी को सेलिब्रेट किया गया, डिफरेंट, उसमें डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट रिलीजन है, ठीक है, सबको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे. तो थर्ड वेव फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट फेमिनिजम्स और प्लूरैलिटी, एक्सेप्टिंग द प्लूरैलिटी. ओके, इनके फेमस राइटर्स हैं मार्गरेट अटवुड, चिन्मनंदा नगोची अदिची एंड सो ऑन. एंड इनका एक फेमस वर्क है वी ऑल शुड बी फेमिनिस्ट, एंड मार्गरेट अटवुड का है द हैंडमेड्स टेल. ओके, सो दीज आर द फेमस वर्क्स ऑफ मार्गरेट अटवुड एंड चिन्मनंदा नगोची दे अदिची. ओके, सो नाउ लेट अस लुक एट द ब्रांचेस ऑफ फेमिनिज्म. सो देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फेमिनिज्म. द फर्स्ट वन इज लिबरल फेमिनिज्म. ओके, सो बात से समझ में आ रहा है कि ये फेमिनिज्म लिबरल है, यानी कि दे डू नॉट वॉन्ट टू रिप्लेस मैन विथ वेमेन, बट दे वॉन्ट अ प्लेस बिटवीन मैन, दे वॉन्ट मैन टू अकोमोडेट वुमेन. ओके, एंड रेडिकल फेमिनिज्म में क्या है कि दे आर क्वाइट रेडिकल, इट इज मार्क्ड बाई एक्सट्रीमिज्म, एंड दे वॉन्ट टू रिप्लेस मैन विथ वुमेन. ओके, फिर है इको फेमिनिज्म, देन ब्लैक फेमिनिज्म, देन लेस्बियन फेमिनिज्म. ठीक है, तो ये कुछ कुछ ब्रांचेस ऑफ फेमिनिज्म है. तो दिस वॉज ऑल इट, एंड आई होप यू अंडरस्टूड द इंटायर कॉन्सेप्ट फेमिनिज्म. And if you have understood, then please give it a like and do subscribe to my channel.